नमस्कार, मैं महावस्तु आचार्य और सर्टिफाइड ट्रेनर राही गौड़ सूरत गुजरात से। एक बात बताइए, क्या आप बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते रहते हो? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आप देखते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है? क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड से बिलोंग करते हो? क्या आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, डिजिटल मार्केटर हो, या इस फील्ड से कनेक्टेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो? तो क्या हम इस फील्ड के लोगों के लिए महावास्तु उपचार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? महावास्तु की केबी टेक्निक के हिसाब से हम जब किसी भी घर में वास्तु करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है उस घर का ईस्ट जोन। ईस्ट जोन जो आपको समाज से, लोगों से, सोसाइटी से, पब्लिक से जोड़ता है, जो नेटवर्किंग में आपको सहयोग करता है। ईस्ट जोन में कोई टॉयलेट ना हो, एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी ना हो, ये आपको देखना है। इसके बाद में हम आते हैं साउथ जोन में। साउथ जोन जो आपको फेमस बनाता है, आपकी पब्लिसिटी करता है, आपको नाम देता है, ये है साउथ जोन। यहाँ पर भी कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस में हो और आपको इसमें से कस्टमर्स चाहिए, तो आपको नॉर्थ की दिशा तो जरूर देखनी है। नॉर्थ की दिशा में भी आपको गैस बर्नर और टॉयलेट नहीं आने चाहिए। लाल रंग या उसके फैमिली कलर्स वहां पर नहीं आने चाहिए। येलो कलर और उसके भी शेड्स यहाँ पर नहीं आने चाहिए। देखिए, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ, ये तीन इंपॉर्टेंट जोन है। इसमें से जब आपको पैसा कमाना है तो आपको साउथ ईस्ट जोन भी देखना है, प्रॉफिट्स कमाना है तो आपको वेस्ट जोन भी देखना है। इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, जब आप कोई इन्फ्लुएंसर हो तो आपके घर का NNW जोन भी आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कंटेंट जो है या आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये आपके जो ऑडियंस है उनको पसंद आना चाहिए। तो ये पसंद आने के लिए आपके घर का NNW जोन भी सही होना बहुत जरूरी है। तो आप डिजिटल मार्केटर हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो ध्यान में रखिए इन जोन्स के लिए। आगे भी मेरे वीडियोस सुनने के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप मुझसे योगदान में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हर